So today we will discuss another poem, the second poem, that is The Abbot of Canterbury by Anonymous. The Abbot of Canterbury means Canterbury ka padri. ठीक है, सो हु इज अ एबट. पहले बात तो एबट कौन होता है, तो एबट किसी चर्च का सरबरा, वो कहलाता है एबट. ठीक है, तो चर्च में तो बहुत सारे प्रीस्ट होते हैं, देर आर सो मैनी प्रीस्ट इन अ चर्च. तो प्रीस्ट मतलब जो फादर जिनको हम कहते हैं, पास्टर भी कहते हैं, वो तो काफ़ी सारे होते हैं. ठीक है, लेकिन जो चर्च का जो सबसे बड़ा सरबरा होता है, जो सिर्फ एक होता है हर चर्च में, उसको हम कहते हैं एबट. ठीक है, तो कैंटरबरी एक सिटी है, कैंटरबरी इज अ सिटी ऑफ इंग्लैंड, और कैंटरबरी में ही एक चर्च था जिसका सरबरा था एबट. द एबट ऑफ कैंटरबरी मीन्स कैंटरबरी का पादरी. इट इज़ अ बैलड. बैलड से मुराद मैंने बताया था वेरी ओल्ड स्टोरी, एक बहुत पुरानी कहानी जो किसी ज़माने से लोगों के ज़बानों में चली आ रही है, दैट इज़ अन बैलड. और लिखा गया है राइम कपलेट्स में. राइम कपलेट्स के बारे में बताया था कि ऐसी नज़म जिसके अंदर आपको एलिट्रेशन मिले, दैट टाइप ऑफ पोएट्री इन विच यू कैन फाइंड एन एलिट्रेशन राइमिंग वर्ड्स एट द वेरी एंड, सो दैट इज़ अ बैलड. लाइक इफ़ यू कैन सी इट, तो आखिरी के वर्ड्स अगर आप देखोगे पेज नंबर 6 पर, तो एनन, जॉन, माइट, राइट, मैरी, कैंटरबरी, रिनोन, टाउन, से, डे, डाउट, अबाउट, दी, मी, रिनोन, क्राउन, दिख रहा होगा आपको. आखिरी के वर्ड्स आपको सेम दिख रहे होंगे, तो इट मीन्स के दीज आर राइम कपलेट्स. ओके, सो एबट ऑफ कैंटरबरी इज अ वेरी सिंपल स्टोरी एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी. ठीक है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पोम और एक दिन में उसको हम स्टडी करते हैं. ठीक है, तो काफ़ी लंबी नज़म आपको दिख रही होगी, और ये पूरी एक स्टोरी है, स्टोरी अबाउट किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी. सो फर्स्ट इंसेंसा शुरू करते हैं कि देखते हैं क्या स्टोरी है. अच्छा, अभी मैं डायरेक्ट पता है कहानी की तरह, स्टोरी की तरह मैं उसको पूरी तरह से सुनाता हूँ जस्ट बाई ट्रांसलेशन. ठीक है, एट द एंड आप मुझसे वर्ड्स पूछ लेना कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है. एन एंशियंट स्टोरी आई विल टेल यू एनॉन ऑफ अ नोटेबल प्रिंस दैट वॉज कॉल्ड किंग जॉन एंड रूल्ड इंग्लैंड विथ मेन एंड विथ माइट फॉर ही डिड ग्रेट रॉन्ग एंड मेंटेन लिटिल राइट. एक कदीम कहानी मैं आपको अभी सुनाऊंगा, एंशियंट पुरानी, मैं एक पुरानी कहानी आपको अभी सुनाऊंगा. एनॉन मतलब अभी, ओल्ड इंग्लिश में एनॉन मतलब अभी. एक कदीम कहानी, एक पुरानी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, एक नोटेबल प्रिंस, एक मशहूर बादशाह के बारे में, विच वॉज कॉल्ड, दैट वॉज कॉल्ड किंग जॉन, जिसका नाम था किंग जॉन. एंड रूल्ड इंग्लैंड विथ मेन एंड विथ माइट, और इसने इंग्लैंड में बादशाहत की विथ मेन एंड विथ माइट. मेन से मुराद यहाँ पर है ताकत, और माइट से मुराद यहाँ पर है कुवत, कि ताकत और कुवत के साथ उसने इंग्लैंड में हुक्मरानी की. फॉर इट इट ग्रेट रॉन्ग एंड मेंटेन लिटिल राइट, क्योंकि फॉरेस्ट मुराद यहाँ है क्योंकि उसने बहुत सारे गलत काम किए और थोड़े से ही उसने अच्छे काम किए. तो एक कदीम कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, एक नोटेबल प्रिंस, प्रिंस मतलब वैसे होते हैं शहजादा, यहाँ पर प्रिंस के मतलब है बादशाह, एक और नोटेबल मतलब मशहूर, फेमस, एक मशहूर बादशाह के बारे में आपको कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम था किंग जॉन, और उसने इंग्लैंड पे हुक्मरानी की ताकत और कुव्वत के साथ, लेकिन उसने ज़्यादातर बुरे काम किए और थोड़े ही उसने अच्छे काम किए. किंग जॉन असल में रियल में एक बादशाह गुजरा है इंग्लैंड का, और ज़िंदगी में उसने हमेशा जैलस होता था अमीरों से, अपने से बड़े लोगों से, अपने से रईस लोगों से ज़्यादा वो जैलस होता था ज़्यादातर, तो उनको मरवा दिया करता था, उनको जेल में डलवा दिया करता था, और इस तरह की एक बुरी आदत थी किंग जॉन की. किंग जॉन ने सारी ज़िंदगी गलत काम किए, और उसने पूरी ज़िंदगी में एक ही अच्छा काम किया, सिर्फ पूरी ज़िंदगी में उसने सिर्फ एक ही अच्छा काम किया, और वो ये कि वो मर गया. ठीक है, तो लोग इसके बारे में कहते हैं कि उसका मरना, किंग जॉन का सबसे अच्छा काम उसका ये था कि वक्त निकाल कर वो मर गया. ठीक है, सेकंड स्टैंजा, एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी सो मैरी कंसर्निंग द एबट ऑफ कैंटरबरी, हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग एंड हाई रेनाउन दे रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन. और मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी, एक कहानी जो बड़ी खुशी वाली है, जो एबट ऑफ कैंटरबरी के बारे में है. मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, मैरी से मुराद MERRY, मैरी है, उसका मतलब यहाँ पर खुशी, यहाँ मैरी से मुराद शादी नहीं है. कंसर्निंग द एबट ऑफ कैंटरबरी, जो एबट ऑफ कैंटरबरी के बारे में है, कंसर्निंग मतलब बारे में होना. हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग, कैसा था उसका रहन सहन, हाउस कीपिंग मतलब रहन सहन, एंड हाई रेनॉन और उसकी ऊंची शोहरत, दे रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन. वो उसके लिए सवारी करके गए फेयर लंदन टाउन तक, वो खबर लेकर गए. रोड राइड की सेकंड फॉर्म है, रोड मतलब राइड सवारी करते हुए जाना, और दे मतलब वो लोग, वहाँ यहाँ दे से मुराद हैं द सोल्जर्स ऑफ किंग जॉन, किंग जॉन के सिपाही. ठीक है, फेयर लंदन टाउन, प्यारा लंदन टाउन, तो कैंटरबरी में तो एबट रहता था और लंदन शहर के अंदर रहता था वो किंग जॉन. तो और मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी जो खुशी वाली है, जो एबट ऑफ कैंटरबरी के बारे में, कैसा था उसका रहन सहन, कैसी थी उसकी शोहरत,
ये खबर पहुंचाई उसको लंदन टाउन तक उसके सिपाहियों ने, मतलब के बादशाह जॉन ने अपने सिपाही छोड़े हुए थे कि जो जो अमीर लोग हैं उन सब की खबर मुझे पहुंचाया करो। तो खबर लाकर पहुंचाई सोल्जर ने। तो अब सोल्जर के अल्फाज है, सोल्जर जाते दरबार में किंग जॉन को और कहता है, एन हंड्रेड मैन द किंग डिड हियर से बट कैप्ट इन हिज हाउस एवरी डे एंड 50 गोल्ड चेन्स विदाउट एनी डाउट इन वेलवेट कोर्ट्स वेटेड द एबट अबाउट। 100 आदमी बादशाह ने सुना कि 100 आदमी एबट कैप्ट इन हिज हाउस एवरी डे, एबट अपने घर पर रोजाना रखता है, मतलब रोजाना 100 मेहमान उससे मिलने के लिए आते हैं, बड़ा मशहूर है कि 100 मेहमान रोजाना उससे मिलने के लिए आते हैं, एंड 50 गोल्ड चेन्स विदाउट एनी डाउट और 50 सोने के चेन पहने होते हैं बिना किसी शक के, इन वेलवेट कोर्ट्स वेटेड द एबट अबाउट, मतलब 100 में से जो 50 लोग आते हैं तो उन्होंने जो है वो सोने के चेन पहने होते हैं और वेलवेट मतलब मखमल के कोट उन्होंने पहने होते हैं और वो एबट के घर में एबट का इंतजार करते हैं उसे मिलने के लिए। तो एबट इतना ज़्यादा समझ लो कि मशहूर शख्स था। अच्छा, बादशाह ने सुना, किंग जॉन ने, तो उसने बुलवा लिया कि भाई लेकर आओ किंग जॉन को, हम देखे इतने पैसे, लेकर आओ एबट ऑफ कैंटरबरी को, देखें हम उसी के पैसे पास पैसे कितने हैं यहाँ से और कैसे वो इतना ज़्यादा मशहूर हो गया। अब सीन कुछ ऐसे हैं कि जो एबट ऑफ कैंटरबरी है वो दरबार में मौजूद है किंग जॉन के इंग्लैंड में लंदन में, और सामने तख्त पे बैठा हुआ है बादशाह जॉन, और बादशाह जॉन कहता है, हाउ नाउ फादर एबट, आई हियर इट ऑफ दे दाउ कीपेस्ट अ फार बेटर हाउस देन मी एंड फॉर दाउ हाउस कीपिंग एंड हाई रिनाउन आई फियर दाउ वर्क्स ट्रेजन अगेंस्ट माई क्राउन। कैसे हैं फादर एबट, मैंने तेरे बारे में सुन रखा है, मैंने तेरे बारे में सुना दाउ कीपेस्ट अ फार बेटर हाउस देन मी, तेरा घर मेरे घर से भी बहुत बेहतर है, एंड फॉर thy housekeeping एंड हाई renown, और तेरी रहन सहन और तेरी ऊंची शोहरत जो है, आई फियर, मुझे डर है, thou works treason against my crown, के तू works मतलब करता है treason मतलब गद्दारी against my crown, मेरे ताज के खिलाफ, मुझे डर है कि कहीं तो मेरे ताज के खिलाफ गद्दारी तो नहीं करता है, कि तू शायद गद्दार है सल्तनत बरतानिया का, मेरे स्वतन इंग्लैंड का, इंग्लिस्तान का, और जिसकी वजह से जो इतने पैसे मिले और तो अमीर हो गया है। अब जब ये सुनता है एबट तो कहता है, माय लीज कूद द एबट, आई वुड इट वर नोन, आई नेवर स्पेंड नथिंग बट व्हाट इज माय ओन, एंड आई ट्रस्ट योर ग्रेस विल डू मी नो हियर फॉर स्पेंडिंग माय ओन ट्रू गॉटन गियर। माय लीज, मेरे आका, कूद द एबट, एबट ने कहा, आई वुड इट वर नोन, मुझे लगा जैसे आप जानते होंगे, आई नेवर स्पेंड नथिंग बट वॉट इज माई ओन, मैं कुछ नहीं खर्च करता कभी भी सवाए उसके के जो मेरा हो, मतलब मैं वही खर्च करता हूँ जो मेरे पैसे हैं, मैं अपने पैसों के अलावा कुछ और के भी खर्च नहीं करता, आई नी ट्रस्ट योर ग्रेस विल डू मी न्यू डेयर, और मुझे यकीन है मेरे आका आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, यहाँ डेयर से मुराद होता है नुकसान, DER E, मुझे यकीन है मेरे आका कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, फॉर स्पेंडिंग ऑफ माई ओन ट्रू गॉटन गियर, ट्रू गॉटन ईमानदारी से हासिल की गई, और गियर से मुराद गाड़ी का गियर नहीं है, गियर से मुराद जायदाद है यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर्टी, और मुझे यकीन है मेरे आका आप मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, चूँकि मैं अपनी ईमानदारी से हासिल की हुई जायदाद को खर्च करता हूँ, मैं कोई गद्दारी नहीं करता। तो अब वो कहता है, किंग कहता है, यस यस फादर एबट, thy fault is high, it is high, and now for the same thou needest must die, for except thou canst answer my questions free, thy head shall be smitten from thy body। कहता है, हाँ हाँ फादर एबट, तेरा कसूर बड़ा है और इसी वजह से अब तुझे मरना पड़ेगा, अब तुझे मौत आएगी, तू मरेगा, सवाय इसके कि अगर तू मेरे 3 सवाल के जवाब नहीं दे सका, कैंस्ट मतलब कैन नॉट, अगर तू नहीं दे सका मेरे 3 सवालों के जवाब, thy head shall be smitten from thy body, smitten मतलब जुदा कर देना, कि तेरा सर मैं तेरे धड़ से जुदा कर दूंगा, मतलब मैं तेरा सर कलम कर दूंगा अगर तू मेरे 3 सवाल के जवाब नहीं दे पाया तो। एंड फर्स्ट कूथ द किंग, और पहला बादशाह ने कहा, वेन आई एम इन दिस स्टेट विथ ऑल माई क्रोन ऑफ विथ माई क्रोन ऑफ गेट सो गोल्ड सो फेयर ऑन माई हेड अमंग ऑल माई लीज मैन सोनेबल ऑफ वर्थ thou must tell me to one penny what I am worth। और पहला बादशाह ने कहा कि जब मैं इस जगह पर मौजूद हूँ और मेरे सर पर सोने का ताज जो इतना खूबसूरत है, और अपने तमाम तर लीजमैन मतलब रियाया, और अपने तमाम तर रियाया के साथ सो नोबल ऑफ बर्थ जो बहुत ज़्यादा आला नस्ल के हैं, नोबल ऑफ बर्थ आला नस्ल के हैं, thou must tell me to one penny what I am worth, तुझे एक एक पाई जोड़कर बताने की मेरी कीमत क्या है। मतलब पहला सवाल करता है कि पहला बादशाह ने कहा कि जब मैं इस स्टेट इस जगह पर हूँ और मेरे सर पे सोने का ताज है
इंग्लैंड का ताज मेरे सर पर मौजूद है, मैं बादशाह हूँ इंग्लैंड का, और मेरे तमाम तर रियाया के साथ, जो मेरे रियाया हैं, जो बड़े आला नस्ल वाले इंग्लिस्तान के लोग, उन सब के साथ, thou must tell me to one penny what I'm worth, तुझे एक एक पाई जोड़कर बताने की मेरी कीमत इस वक्त कितनी है, मैं कितने का हूँ, मुझे मार्केट में जाकर बेचेगा तो मैं कितने का बिकूँगा, तो मेरी कीमत बता। तो एक सवाल ही पहला सवाल कहा। सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट हाउ सून आई मे राइट द होल वर्ल्ड अबाउट, और दूसरा तू मुझे बताना बिना किसी शक के कितनी जल्दी मैं पूरी दुनिया का सफ़र कर सकता हूँ, कितनी जल्दी मैं पूरी दुनिया की सवारी अपने घोड़े पर बैठ के कर सकता हूँ, क्योंकि मैं घोड़े पर अगर मैं निकलूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में, तो हाउ सून आई मे राइट द होल वर्ल्ड अबाउट। एंड द थर्ड क्वेश्चन, दाउ मस्ट नॉट श्रिंक, और तीसरा सवाल तो बिल्कुल तू मत भूलाना, श्रिंक मतलब भूल जाना, नज़रअंदाज कर देना, और तीसरा सवाल तो कभी भी मत भूलना, बट टेल मी हियर ट्रूली व्हाट आई डू थिंक, लेकिन तू मुझे बता मेरे जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, मैं सोच क्या रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीन सवाल किए किंग जॉन ने एबट ऑफ कैंटरबरी से कि भाई मेरी कीमत क्या है, और दूसरा मैं पूरी दुनिया का सवारी घोड़े में कितने दिन में कर सकता हूँ, और तीसरा मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, ये तीन सवाल के जवाब मांगा। ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फ्रॉम अ शैलो विट, नॉट आई कैन नॉट आंसर योर ग्रेस एज येट, बट इफ यू विल गिव मी बट 3 weeks स्पेस आई विल डू माई इंडिव्यूर टू आंसर योर ग्रेस, कहता है अब एबट कहता है। ओ ये बहुत मुश्किल सवाल आते हैं मेरे कम अकल के लिए, शैलो विट मतलब कम अकल, मेरे कम अकल के लिए ये बहुत मुश्किल सवाल आते हैं। नाउ आई कैन नॉट आंसर योर ग्रेस एज येट, मेरे आका मैं अभी तो इन सवाल के जवाब नहीं दे सकता आपको, बट इफ़ यू विल गिव मी बट 3 weeks स्पेस, लेकिन अगर आप मुझे 3 हफ्ते की मोहलत दे दें, 3 हफ्ते का वक्त दे दें, आई विल डू माई इंडिवियर टू आंसर योर ग्रेस, इंडिवियर मतलब जद्दोजहद कोशिश, तो मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मैं मेरे आका मैं आपको जवाब दे सकूं 3 सवाल आपका। बादशाह कहता है, नाउ 3 weeks स्पेस टू दी विल आई गिव, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट टाइम दाउ हैज टू लिव, फॉर इफ दाउ डोस्ट नॉट आंसर माई क्वेश्चन 3 दाई लैंड्स एंड दाई लिविंग आर फॉरफिट टू मी। अब 3 हफ्ते का वक्त जहाँ मैं तुझे देता हूँ, जहाँ मैं तुझे 3 हफ्ते की मोहलत दे देता हूँ, और ये सबसे लंबा वक्त है तेरे जीने के लिए, चूंकि अगर तू नहीं जब तब जवाब दे सका मेरे 3 सवाल का बाद में, दाई लैंड्स एंड दाई लिविंग मतलब तेरी ज़मीनें एंड दाई लिविंग और तेरी दौलत आर फॉरफिट टू मी, फॉरफिट मतलब कब्जा, मैं उसको कब्जे में ले लूँगा, अगर तू मेरे 3 सवाल के जवाब नहीं दे सका तो मैं उसको कब्जे में ले लूँगा। अवे रोड दै बट ऑल सैड डेट एट वर्ड एंड ई रोड टू कैम्ब्रिज एंड ऑक्सनफोर्ड बट नेवर अ डॉक्टर देयर वॉज सो वाइस दैट कुड विथ हिज लर्निंग एंड अनथर डिवाइस। वहाँ से निकला घर की जानिब बहुत उदास होकर, वहाँ से निकला दरबार से निकला एबट बहुत उदास होकर इस हुकुम पर, इस वर्ड पर, इस हुकुम पर, एंड ई रोड टू कैम्ब्रिज इन ऑक्सनफोर्ड, और वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ऑक्सनफोर्ड समराद ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया, जो इंग्लैंड की आज तक यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, बट नेवर अ डॉक्टर देयर वाज सो वाइज, लेकिन वहाँ पर कोई भी डॉक्टर इतना ज़्यादा अकलमंद नहीं था, यहाँ डॉक्टर से मुराद फिजिशियन नहीं है, तबीब नहीं है, यहाँ डॉक्टर से मुराद है यूनिवर्सिटी टीचर, जो PhD होता है ना, यूनिवर्सिटी टीचर्स, उनको भी हम कहते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज डॉक्टर्स, लेकिन वहाँ पर कोई भी जो यूनिवर्सिटी टीचर है वो इतना ज़्यादा अकलमंद नहीं था, दैट कुड विथ इज लर्निंग एंड सर्टेन डिवाइस, जो अपनी लर्निंग से या जो अपनी लर्निंग कह लें जो अपनी जानकारी से कोई जवाब दे सकता। डॉक्टर समुराद यहाँ पर फिर बता दो यूनिवर्सिटी टीचर है, उस्ताद है यहाँ डॉक्टर समुराद, कि वो टीचर से मिला जाकर वहाँ यूनिवर्सिटी के, लेकिन वहाँ कोई भी टीचर इतने ज़्यादा अकलमंद नहीं था जो किसी सवाल का जवाब दे सकता था। देन होम रोड द एबट ऑफ कम्फर्ट सो कॉल्ड एंड ई मेट इज शेपर्ड अ गोइंग टू फॉल, हाउ नाउ माई लॉर्ड एबट, यू आर वेलकम होम, वॉट न्यूज डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम गुड किंग जॉन। उसके बाद घर की तरफ रवाना हुआ एबट ऑफ कैंटरबरी और कम्फर्ट सो कॉल्ड, बड़ी गैर तसली बख्श के साथ, बड़ी सर्द महरी के साथ, कम्फर्ट सो कॉल्ड से मुराद के बिना किसी तसली बख्श जवाब के, बिना तसली बख्श जवाब के कोई जवाब उसको नहीं मिल सका, और वो घर चला गया कैंटरबरी अपने, और वो मिला अपने शेफर्ड से, शेफर्ड मतलब होता है गडरिया, चरवाहा, बकरी चराने वाला, वो मिला उस शेफर्ड से, अ गोइंग टू फोल्ड, जो अपने बाड़े की तरफ जा रहा था, फोल्ड मतलब बाड़ा, जो बाड़े की तरफ जा रहा था। हाउ नाउ माई लॉर्ड एबट, यू आर वेलकम होम। अच्छा, जब देखता है गडरिया अपने मालिक को तो कहता है, कैसे हैं लॉर्ड एबट, आपका इस्तकबाल है हमारे घर में, वॉट न्यूज़ डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम गुड किंग जॉन, आप अच्छे बादशाह जॉन की तरफ से क्या खबर लेकर आए हैं। अगर जब अच्छा बादशाह नहीं था, लेकिन बादशाहों का लकब होता है कि उनको गुड किंग ही कहा जाता है, गुड किंग जॉन, कि अच्छे बादशाह जॉन की तरफ से आप क्या खबर लेकर आए हैं। ठीक है, अब उसने बोला एबट ने, सैड न्यूज शेपर्ड, आई मस्ट गिव दैट आई हैव बट 3 days मोर टू लिव, फॉर इफ आई डो नॉट आंसर सम क्वेश्चन 3 माई हेड शैल बी विल बी स्मिटन फ्रॉम माई बॉडी। उदास खबर गडरिए, मैं तुझे लाजमी दूंगा,
क्योंकि मेरे पास अब 3 दिन बचे हैं जिंदा रहने के लिए। अगरचे मौला 3 हफ्ते की मांगी थी, लेकिन उसने बाकी सारा टाइम जो है वो गंवा दिया ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में। तो जब घर आया तो 3 ही दिन बचे, अब 3 दिन और है मेरे पास जीने के लिए, और अगर मैं उसको 3 सवाल के जवाब नहीं दे सका तो वो मेरा सर मेरे धड़ से जुदा कर देगा। द फर्स्ट इज टू टेल हिम देयर इन दैट स्टेट विद हिज क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन हिज हेड अमंग ऑल हिज लेजमेन सो नोबल ऑफ बर्थ टू विद इन 1 पेनी ऑफ व्हाट ही इज वर्थ। पहला जो उसे सवाल का जवाब देना है वो ये कि जब वो अपने तख्त पर मौजूद है और उसके सोने पर सर का ताज मौजूद है और उसके तमाम तरह आए के साथ जो बड़े आला नस्ल के हैं, मुझे एक एक पाई जोड़कर बताना उसकी कीमत क्या है। द सेकेंड टू टेल हिम विदाउट एनी डाउट हाउ सून ही मे राइट दिस होल वर्ल्ड अबाउट, और दूसरा मुझे उसे बताना है बिना किसी शक के कि कितनी जल्दी वो पूरी दुनिया के चक्कर लगा सकता है। एंड एट द थर्ड क्वेश्चन आई मस्ट नॉट श्रिंक टू टेल हिम देयर ट्रूली व्हाट आई डू थिंक, और तीसरा सवाल जो मुझे बिल्कुल नहीं भुलाना है वो ये कि मुझे उसे बताना है कि वो सब क्या सोच रहा है। नेक्स्ट पेज। Now cheer up, sir Abbott. Did you never hear yet that I fool he may learn a wise man wit? Lend me horse, the serving man in your apparel, and I will ride to London to answer your quarrel. अब अच्छा गिडरिया कहता है, अब खुश हो जाएं सर Abbott, जनाब Abbott खुश हो जाएं, कि आपने कभी सुना नहीं that a fool he may learn a wise man wit, के कभी कभार एक बेवकूफ शख्स भी अकलमंदी की बात कुछ कर जाता है। Wise man मतलब अकलमंद, ठीक है, और wit मतलब उसकी अकल, कि कभी कभार एक बेवकूफ इंसान भी अकलमंदी की बात कर जाता है। लैंड मी हॉर्स, मुझे उधार पे दे अपना घोड़ा, एंड सर्विंग मैन और अपने नौकर चाकर, एंड योर अपैरल और अपना कपड़ा मुझे दे दें, एंड आई विल राइड टू लंडन टू आंसर योर क्वरल, और मैं जाऊंगा सवारी करके लंदन किंग जॉन के पास आपके झगड़े को जवाब देने के लिए, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं जाऊंगा। अच्छा अब जब वो सोचता है कि ये जवाब तो दे देगा लेकिन इसको किसी ने पहचान लिया, तो Abbott सोचता है, तो उसके माथे पर शिकन आ जाती है। तो जब शेफर्ड उसको देखता है कि उसके मालिक के शर्माते पे शिकन आ रही, तो कहता है, ने फ्रॉन नॉट इफ इट हैड बीन टोल्ड अप टू मी आई एम लाइक योर वर्शिप एज एवर मे बी एंड इफ यू विल बट लैंड मी योर गाउन देयर इज नन शैल नो अस एट फेयर लंदन टाउन। फ्रॉन मतलब घबराना, ने ने ओल्ड इंग्लिश में नो कोई कहता नहीं, घबराए नहीं। इफ इट हैड बीन टोल्ड अप टू मी, चूंकि मुझसे काफी बार कहा गया है, आई एम लाइक योर वर्शिप एज एवर मे बी, I am like your lordship as ever may be, कि मैं बिल्कुल आपकी तरह दिखता हूँ, मैं अपने मालिक की तरह दिखता हूँ, मुझे तो कितने लोगों ने कहा है कि मेरी शक्ल आपसे मिलती है, तो आप घबराए मत कि कोई हमें पहचान लेगा। एंड इफ़ यू विल बट लैंड मी योर गाउन, लेकिन अगर आप मुझे अपना गाउन दे दें, अपना लिबास दे दें, देर इज़ नॉन शल नो अज एट फेयर लंदन टाउन, तो कोई भी नहीं है जो हमें इस लंदन के शहर में पहचान सकेगा, कोई भी नहीं है जो पहचान सकेगा या जान सकेगा मैं लंदन के शहर में, या मुझे 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 कोई नहीं शक कर सकेगा कि मैं जो है वो शिपर्ड हूँ, Abbott नहीं हूँ। तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंट में आ जाता है और कहता है, नाउ हॉर्सेज एंड सर्विंग मैन दाउ शैल्ट हैव विद समटिया सेरे मोस्ट गैलेंट एंड ब्रेव विद क्रोजर एंड मिटर एंड रॉचेट एंड कोप फिट टू अपीयर फॉर अवर फादर द पोप। तो कहता है, अब घोड़े और खिदमतगार आदमी तेरे पास हैं, कि जा मैं तुझे घोड़े भी दे देता हूँ, जब मैं तुझे खिदमतगार आदमी भी देता था अपने, विथ समटियस एरे, समटियस मतलब शानदार, एरे मतलब कतार, जो शानदार कतार में हैं, मोस्ट गैलेंट एंड ब्रेव, जो बहुत ज़्यादा गैलेंट मतलब खूबसूरत हैं, एंड ब्रेव और बहादुर हैं, मैं तुझे दे देता हूँ अपने घोड़े और अपने सारे नौकर चाकर जो कतार में खड़े हैं शानदार तरह से, जो सारे खूबसूरत और बहादुर हैं, विथ क्रोजियर एंड मिटर एंड रॉचेट एंड कोप, और मैं तुझे देता हूँ अपना क्रोजियर मिट्रे रॉचेट कोप, ये सारी चीज़ें। अब ये चार चीज़ें क्या है, ये वो चार वो चीज़ें होती हैं जो कि Abbott अपने पहनता है। क्रोजियर किसे कहते हैं, क्रोजियर होती है लाठी, उसकी एक लाठी होती है उसमें ज्वेलरी लगी हुई होती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा मोतियाँ वगैरह लगी होती हैं, लाठी एक पकड़ते हैं Abbott जो होते हैं प्रीस्ट पादरी, बड़े पादरी जो होते हैं। मिट्रे, मिट्रे होता है ताज, उनके सर पर एक बड़ा सा ताज भी लगा होता है, तो वो जो ताज होता है उसको मिट्रे कहते हैं, ठीक है। Abbott की बात करो, Abbott के सर पर जो ताज होता है प्लस बना होता है उसके ऊपर, ठीक है। रॉचेट, रॉचेट कहते हैं जुब्बा, व्हाइट कलर का कपड़ा जो अंदर पूरा लंबा सा वो पहना होता है उनको, जुब्बे को वो कहते हैं रॉचेट। और कोप मतलब उसके ऊपर एक शॉल उन्होंने डाली हुई होती है, एक शॉल लेना मखमल टाइप की एक शॉल डाली हुई होती है, तो एक मतलब उस तरह टोपी होती है, लाठी होती है, अंदर एक जुब्बा होता है और ऊपर एक शॉल होती है, बहुत सारे लोग हाथ चूम रहे होते हैं आगे पीछे घूम रहे होते हैं उनके, तो वो बड़ा वो दिखाते हैं ना चर्च वगैरह में कभी बहुत, तो उनको Abbott कहते हैं। तो क्रोजियर मिटर रॉचेट कोप, ये चारों चीज़ें मैं तुझे दे दे रहा हूँ, क्योंकि वी आर नॉट क्रिश्चियन, तो हमें नहीं पता कि भाई क्या ये लोग कौन होते हैं क्या होते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके कि ये चार चीज़ें क्या हैं। आपने कभी नहीं सुना था क्रोजियर मिटर रॉचेट कोप क्या चीज़ होती है सारी है। फिट टू अपीयर फॉर अवर फादर द पॉप, ये बिल्कुल फिट बैठेगा बिफोर मतलब बिफोर अवर फादर द पॉप, हमारे बाप पोप के सामने,
तो मैंने भी आपको बताया कि देखो जो चर्च के अंदर बहुत सारे होते हैं वो होते हैं प्रीस्ट, और चर्च का एक सरबरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एबट, और पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस का जो एक सरबरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोप, वो पोप कहलाता है। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में, रोमन कैथोलिक जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो है वो कह लें कि क्रिश्चियंस की एक सेक्ट है, तो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अंदर जो सबसे बड़ा जो लीडर होता है ना क्रिश्चियनिटी का, वो पोप कहलाता है। उसके लिए अलग एक मुल्क है पूरा, वेटिकन सिटी यूरोप में, वहाँ वो रहता है, ठीक है, सेंट बेसिल्स कैथेड्रल के अंदर, तो वो पोप कहलाता है। सबसे बड़ा मजहबी रहनुमा जिसको हम कह सकते हैं वो होता है किसका, क्रिश्चियनिटी का। तो और हर एबट पोप पर्सनली हर एबट को जानता है, जितने भी एबट्स होते हैं ना वो आकर मिलते हैं पोप से। तो पोप तो वही कह रहे हैं कि अगर मतलब शिपर्ट कहता है कि अगर तू ये लिबास पहनकर तो पोप के सामने भी खड़ा हो जाएगा तो भी फिट बैठेगा बिल्कुल, मतलब वो पहचान में नहीं आ सकेगा कि तू शिपर्ट, तो फिट टू अपेयर फॉर अवर फादर द पोप, इसका मतलब ये है कि हमारे फादर पोप के सामने भी फिट बैठेगा ये लिबास। अच्छा, इसका शेपर्ड पहनता वहनता है सब कुछ लेता वेतर चला जाता है खड़कर लंदन शहर में बादशाह के सामने खड़ा हो जाता है कि अब बादशाह कहता है, बादशाह बेवकूफ़ बन जाता है, पहचान नहीं पाता है, और बादशाह कहता है नाउ वेलकम सर एबर्ट, द किंग डिड से टिस वेल दाउ वुड कम बैक टू कीप दाई डे फॉर ए एंड इफ दाउ कांस आंसर माई क्वेश्चन थ्री दाई लाइफ एंड दाई लिविंग बोथ शेप शैल बी। अब इस्तकबाल है आपका सर एबर्ट, बादशाह ने कहा। टिस वेल मतलब इट इज़ वेल, ये बिल्कुल अच्छी बात है, ये अच्छा है कि तू वापस आ गया अपने वादे का पास रखते हुए, कि तूने अपने दिए हुए दिन पर तू वापस आ गया, और अगर तू मेरे तीन सवाल के जवाब दे देगा तो तेरी जिंदगी और तेरी दौलत दोनों बच जाएगी, दोनों महफूज हो जाएगी, सलामत रहेगी। एंड फर्स्ट व्हेन दाउ सीस्ट मी हियर इन दिस स्टेड विद माय क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन माय हेड अमंग ऑल माय लीजमैन नोबल ऑफ वर्थ टेल मी टू वन पेनी व्हाट आई एम वर्थ, कि पहला सवाल कि जब तू मुझे जगह पर देखता है मेरे सर पर सोने का ताज है जो बड़ा खूबसूरत है मेरी तमाम रियाया के साथ, तो मुझे एक एक पाए जोड़कर बता मेरी कीमत क्या है। अब जवाब देता है ये, ठीक है। इससे पहले कि मैं ये जवाब को पढूं, मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ क्रिश्चियनिटी की, बाइबल के अंदर लिखी गई, इंजील मुकद्दस के अंदर जो ईसाइयों की किताब है। नबी ईसा अलैहिस्सलाम को तो वैसे हम भी पैगंबर मानते हैं, और उस पर कोई कह सकते हैं कि उस पर कोई दूसरी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर तो हम भी मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो मारा था, जो उनको मतलब हम तो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद नहीं किया गया था, ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनको स्लेब पर जो है वो लटकाने वाले थे, तो अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया था और उसकी जगह कोई दूसरा बंदा भेज दिया था, तो उसको मसलूब कर दिया गया था क़यामत से पहले। ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे दुनिया में दोबारा आ जाएंगे, क़यामत का ज़माना जब आएगा, ये सब हम पढ़ते हुए हैं। क्रिश्चियन कुछ और कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम वाकई में मसलूब कर दिए गए थे, इसलिए वो प्लस में बनाते भी हैं क्रिश्चियंस के अंदर ना, वो स्लेब में ईसा अलैहिस्सलाम को दिखाते हैं वो। फिर वो ये भी कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि गॉड, वो तो गॉड मानते हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम को, मैंने बताया था आपको कि वो ट्रिनिटी के बिलीफ करते हैं, गॉड मानते हैं वो, तो वो यही कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि गॉड हैं, ठीक है, तो वो यही कहते हैं गॉड ने तुम्हारे लिए जान दी। अगर आपने पीके मूवी अगर किसी ने देखी है तो उसमें जब वो चर्च लेकर जाता है ना, चर्च पे वो शराब वो कुछ लेकर चले जाता है, पता नहीं क्या चर्च चले जाता है, वो क्या लेकर जाता है आई डोंट नो क्या लेकर जाता है, शराब नहीं कुछ और चीज़, वो कोई नारियल लेकर चले जाता है शायद ऐसा कुछ। तो वो फिर वही कहता है, मैं चर्च में पादरी बड़ा गुस्से में आ जाता है, बोलता है गॉड ने तुम्हारे लिए जान दी और तुम ये काम कर रहे हो यहाँ पे। तो गॉड ने तुम्हारे लिए जान दी मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को लटका दिया गया सूली पे, क्रिश्चियन मानते हैं, मुसलमान नहीं, मुसलमान बोलते नहीं कोई नहीं लटकाया गया उनको, अल्लाह ने उठा लिया था। तो दोनों में फैक्ट्स हैं अलग अलग है रिलीजन के लिहाज से, ठीक है। तो जब हम बात करें ईसा अलैहिस्सलाम की, ठीक है, तो उनके बारे में ये है कि उनको वो एक जगह छुपे हुए थे, मतलब जब यहूदी उनको यहूदी और इनसे यहूदी जो है नफरत करते थे ईसा अलैहिस्सलाम से, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम एक नया रिलीजन लेकर आते हैं ईसाइत जैसे के, तो यहूदी नहीं चाहते, यहूदी उससे पुराना मजहब था तो वो नहीं चाहते थे ईसा अलैहिस्सलाम उस मजहब को पहुँचाएँ आगे किसी और को, तो यहूदी चाहते थे कि उनको मार दें। यहूदी को इंग्लिश में हम कहते हैं ज्यूस, तो ज्यूस होते हैं यहूदी, ये अलग मजहब है, ठीक है। तो यहूदी चाहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दें, उनको मार दिया जाए, तो वो छुपे हुए थे ईसा अलैहिस्सलाम की जगह, तो अपने कुछ हवारियों के साथ, अपने कुछ दोस्तों के साथ, अपने कुछ मानने वालों के साथ। तो उन्हीं में एक बंदा था जिसका नाम था जुदार, तो जुदार जो था वो था यहूदी, लेकिन मतलब वो था ईसाई बन चुके थे यहूदी से, लेकिन वो था गद्दार था। उसने तीस चांदी का सिक्का लिया, 30 चांदी के सिक्के लिए यहूदियों से, और यहूदियों को बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर छुपे हुए हैं, यहाँ से निकाल लो उनको। तो यहूदी आए और उस जगह से लेकर चले जाके मसलूब कर दिया उनको। तो
क्रिश्चियनिटी के अंदर, ईसाइयों के अंदर एक बड़ा महावरा है कि अगर कोई इंसान को गलत काम पैसे की ओर करता है तो उसको कहते हैं कि तूने 30 चांदी के सिक्के की ओर ऐसा किया, क्योंकि 30 चांदी के सिक्के के ओस जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा को बेच दिया उन्होंने झूठे यहूदियों के दरमियान। मतलब खुदा की कीमत ईसाइत के अंदर 30 सिल्वर कॉइन्स इस तरह से हम कह सकते हैं वो है, क्योंकि इसी में बेचा जुदार ने उनको, उसने पैसा लेकर कर दिया। अब यहाँ पर आंसर सुनते हैं शिपर्ड का, अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाता तो समझ में नहीं आता। फॉर 30 पेंस अवर सेवियर वॉज सोल्ड। सेवियर मतलब निजात दहिंदा, निजात देने वाला, खुदा भी कह सकते हैं सेवियर को, निजात देने वाला या खुदा एक ही बात है। 30 चांदी के सिक्कों में हमारे खुदा को बेचा गया अमंग द फॉल्स ज्यूस, झूठे यहूदियों के दरमियान, एज आई हैव बीन टोल्ड, जैसे मुझे बताया गया। एंड 29 इज द वर्थ ऑफ दी, और 29 सिक्के तेरी कीमत है। फॉर आई थिंक दाउ वर्ट वन पेनी वर्सर देन ही कैश कैपिटल है, चूंकि उनके मुताबिक गॉड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है तो एक सिक्का वर्सर मतलब बदतर, तो एक या कमतर, कि तो एक सिक्का कमतर है खुदा की जात से। मतलब कि 30 चांदी के सिक्के में अगर ईसा अलैहिस्सलाम को पेश दिया गया, जो ईसाइयों के मुताबिक उनके खुदा हैं, तो खुदा की कीमत 30 चांदी के सिक्के, खुदा से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता, तो सब खुदा से नीचे ही होगा। तो अगर उनकी कीमत 30 चांदी के सिक्के, तो तेरी 29 होगी, उससे ज़्यादा है, उसके बराबर तो नहीं सकती, क्योंकि खुदा तो है नहीं। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब था। द किंग ही लाफ्ड एंड सोर बाय सेंट बिटल, आई डिड नॉट थिंक आई हैड बीन वर्थ सो लिटल, नाउ सेकंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट हाउ सून आई मेड दिस होल डबल अबाउट। बादशाह हंसा और सोर, स्वेयर की सेकंड फॉर्म इज सोर, कसम खाई। किसकी कसम खाई? सेंट बिटल, कोई बाबा बिटल उस जमाने के कुछ सेंट होंगे पुराने, उनकी कसम खाकर कहा कि ये सही जवाब है, और कहा कि मुझे नहीं लगता था कि मैं, मेरी कीमत इतनी कम है, मैं इतना सस्ता हूँ, क्योंकि 29 चांदी के सिक्के में बादशाह की कीमत लग रही है। अब दूसरा सवाल का जवाब तो देना बिना किसी शक के, कि मैं इस पूरी दुनिया को कितनी जल्दी कितने देर में घूम सकता हूँ, चक्कर काट सकते हो दुनिया के, तो ये दूसरे सवाल का जवाब तो मुझे दे। तो जवाब देता है, यू मस्ट राइज विद द सन एंड राइड विद द सेम अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग यू राइज अप अगेन एंड देन योर ग्रेस नीड नॉट मेक एनी डाउट बट इन 24 आवर्स यू विल राइड इट अबाउट। कहता है कि तुम लाजमी या आप लाजमी सूरज के साथ रवाना हो जाए, खड़े हो जाए, उड़ जाए सूरज के साथ, और उसके साथ से सवारी करते रहें। जब सूरज सुबह सूरज निकले तो आप अपना घोड़ा तैयार रखें, और जहाँ जहाँ सूरज जाए वहाँ वहाँ तक आप भागते रहें भागते रहें, यहाँ अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग राइज अप अगेन, यहाँ तक के अगली सुबह सूरज दोबारा से तुलू हो जाते जहाँ से निकला था। और उसके बाद मेरे आका आप कोई शक मत कीजिए, लेकिन 24 घंटे में ऐसे आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, अगर आप सूरज के साथ साथ भागते रहे जहाँ जहाँ वो जा रहे, तो 24 घंटे में सूरज दोबारा वहीं से आ जाता है जहाँ से निकला था, तो 24 घंटे में दुनिया का आप चक्कर लगा सकते हैं अगर आप सूरज की रफ्तार से भाग जाएं तो। ठीक है, घोड़े को अगर उस रफ्तार से दौड़ा दे तो। द किंग ही लाफ्ड एंड सोर बाय सेंट जॉन, आई डिड नॉट थिंक इट कुड बी डन सो सून, नाउ फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन दाउ मस्ट नॉट श्रिंक बट आई टेल मी हियर ट्रूली व्हाट आई डू थिंक। बादशाह हंसा, जोर से हंसा, कह कहा लगाया और कसम खाई सेंट जॉन की, दूसरा एक ये बादशाह जॉन ने, दूसरा को सेंट जॉन है ये, उसकी कसम खाकर कहा कि सही जवाब है, और सोचा और कहा कि मुझे नहीं लगता था, आई डिड नॉट थिंक इट कुड बी डन सो सून, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने जल्दी ये काम किया जा सकता है कि 24 घंटे में दुनिया भी घूम सकते हैं पूरी। अब तीसरे सवाल जो तो नहीं भूलना, लेकिन मुझे बता अभी कि मैं सोच के आ रहा हूँ इस वक्त। यस दैट शैल आई डू एंड मेक योर ग्रेस मेरी, हाँ ये मैं ऐसा करूँगा और मेरे आका आपको खुश कर दूंगा। यू थिंक आई एम द एबॉट ऑफ कैंटरबरी, आप अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं बैठ कर कि मैं एबॉट ऑफ कैंटरबरी हूँ, कि मैं कैंटरबरी का पादरी यहाँ पर खड़े होकर आपको जो है वो सवाल के जवाब दे रहा हूँ। बट आई एम इस पुअर शेफर्ड एज प्लेन यू मे सी, लेकिन मैं उसका एक गरीब गडरिया हूँ, चरवाहा हूँ जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, अपने जो शाहाना जो कपड़े होते हैं ना, जो ऊपर से जो पहने होते हैं वो उतार देता है, तो फटे पुराने कपड़े में आ जाता है जो गडरिया चरवाहे के कपड़े होते हैं। वो कहता है एक्सप्लेन यू मेसी, फिर कहते हैं जैसे आप देख सकते हैं मैं तो उसका गडरिया हूँ, और मैं आई दैट आई एम कम टू बेग पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी, और मैं आया हूँ माफ़ी की दरख्वास्त करने के लिए, उसके लिए और मेरे लिए माफ़ी की दरख्वास्त करने आया हूँ। द किंग ही लाफ्ड एंड सोर बाय द मास, बादशाह हंसा और मास की कसम खाई। यहाँ मास से मुराद फिजिक्स या केमिस्ट्री वाला मास नहीं है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, वो मास अलग होता है, दैट इज मैस। ये मास क्या है? मास इज एक्चुअली द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, ईसाइयों का एक त्यौहार होता है, उसको मास कहते हैं। बहुत सारे त्यौहारों के अलग, क्रिसमस वगैरह, ईस्टर डे वगैरह, हेलोवीन वगैरह मनाते हैं ना वो, बिल्कुल वैसे ही वो एक और त्यौहार है मास, वो भी मनाते हैं। तो बादशाह ने मास की कसम खाई और कहा आई विल मेक दी लॉर्ड एबर्ट दिस डे इन हिज प्लेस, कि मैं आज लॉर्ड एबर्ट की जगह तुझे एबर्ट बना देता हूँ कैंटरबरी का।
कि लॉर्ड एबर्ट के पास तो इतनी अकल ही नहीं थी, तो तीन सवाल के जवाब दे दिया, तो मेरे लिए तो तू एबर्ट बन जा उसकी जगह पर। अब शेफर्ड कहते हैं, नाउ ने माय लीच बी नॉट इन सच स्पीड फॉर अ लक आई कैन नीदर राइट नॉर रीड। अभी नहीं मेरे आका, इतनी जल्दी फैसला मत करें। फॉर अलास मतलब अफसोस, आई कैन नीदर राइट नॉर रीड, ना मैं लिख सकता हूँ ना मैं पढ़ सकता हूँ, मैं तो अनपढ़ इंसान हूँ, मुझे लिखना पढ़ना थोड़ी ना आता जो मैं एबर्ट बन जाऊँगा। तो फिर जब बादशाह ये सुनता है तो कहता है वाकई में एबर्ट तो बनने के लिए पढ़ना लिखना होना जरूरी है। फोर नोवेल्स अ वीक देन आई विल गिव दी फॉर दिस मैरिज जस्ट दाउ हैज शोन एन टू मी। चार सोने के सिक्के, नोबल्स कहते हैं सोने के सिक्के, चार सोने के सिक्के हर हफ्ते मैं तुझे दूंगा, फिर मैं तुझे हर हफ्ते चार सोने के सिक्के दूंगा फॉर दिस मैरिज जेस्ट, इस खुशी वाले जेस्ट के लिए, जेस्ट मतलब कर्तव्य, इस खुशी वाले कर्तव्य के लिए जो तूने मुझे अभी दिखाया है। मैं हर हफ्ते तुझे चार सोने के सिक्के दूंगा। एंड टेल द ओल्ड एबर्ट व्हेन दाउ कम्स्ट होम, और जाकर बोल देना बूढ़े एबर्ट से जब तू वापस अपने घर जाए कैंटरबरी, जाकर उसको बता देना दाउ हैज ब्रॉट हिम अ पार्डन फ्रॉम गुड किंग जॉन, कि तू अच्छे बादशाह जॉन की तरफ से एक माफ़ी लेकर आया है उसके लिए, कि जाकर उसको बोल देना कि तुझे बादशाह जॉन ने जा तुझे माफ़ किया तेरी तमाम गलतियों के लिए, ठीक है। और यहाँ जाकर स्टोरी एंड हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग बट वेरी सिंपल स्टोरी अबाउट एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, द स्टोरी अबाउट थ्री क्वेश्चंस एंड थ्री आंसर्स, दैट किंग जॉन वॉज जेलस ऑफ एबर्ट ऑफ कैंटरबरी एंड ही हैज आस्क्ड थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्सन एंड सेड दैट इफ ही विल नॉट आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस सो हिज हेड विल बी स्मिटन फ्रॉम हिज बॉडी, बट एबर्ट ऑफ कैंटरबरी डिड नॉट गिव द आंसर्स and he lost all his time. Then he met with his shepherd, and shepherd was actually, he was an illiterate person but he was a wise man and he wanted to answer the three questions, so he went to the King John with his apparel and gown and serving men and horses. Then he answered all the correct answers of three questions. Otherwise these three questions are very much difficult, they're not easy questions, nobody can answer, even an intelligent person or doctor or engineer, nobody can answer this question. But by using his witness, by using his wit, by using his wisdom, shepherd gave the answers correctly, and then King John was very happy and he forgave shepherd as well as the abbot of Canterbury. Okay.